उन्हाची तीव्रता वाढायला सुरुवात होताच घरोघरी सरकारी व खासगी कार्यालयात ठेवण्यात आलेले कूलर बाहेर निघू लागले आहेत. अशा वेळी त्यासाठी लागणाऱ्या खस आणि वुडवूलच्या ताट्या वर्धेतील बाजारात विक्रीला आलेल्या दिसून येत आहेत. कूलरला लावण्यात येणाऱ्या ताटा शहरातील विविध भागात विक्रीला आल्या आहेत. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मिळेल त्या जागेवर दुकाने ठाटून बसतात आणि त्यानंतर जवळपास 2 महिने त्यांचा हा व्यवसाय सुरू असतो. परंतु पहिले जो व्यवसाय होता तो आता राहिला नसल्याचे खस विक्रेत्याने सांगितले. मैं पिछले 20 साल से धंधा कर रहा हूँ उडुल का खस का, जो उडुल खस का अभी इसमें बहुत तेजी आ गई. इसमें गिराक को हम कम रेट में बेचते वो कर रहे हैं, लेकिन गिराक बोलता है और कम रेट में दो, लेकिन हमारे को जब खरीदी कर रहे हैं हम तो इसमें ज़्यादा मुनाफा अब नहीं रहा. इसमें जो पहले जैसा मुनाफा रहता था वो मुनाफा नहीं रहा, तो कैसा है हमारे को बेचने में परेशानी हो रही है अभी. और दूसरी बात कैसा है, गिराक आता बोलता पिछले साल ये रेट में लेके गए थे, अभी भी यही रेट में होना. अभी कैसा है, हर चीज़ के भाव बढ़ रहे, इसके भी भाव बढ़ गए, लेकिन गिराक क्या बोलता है कि हमारे को वही रेट में होना. ऐसा है, पहले हम जितना कमाते थे, यानी पिछले साल जो उसके पहले साल जितना कमाते थे, अभी महंगाई की वजह से उतना हम नहीं कमा सक रहे. अभी यानी बस घर की दाल रोटी चल रही समझ लो, और जो 5 किलो घी ले रहे, 10 किलो घी ले रहे, चावल ले रहे, उसमें हमारा गुजारा हो रहा है. हमारा पिछले साल हमने 70-60 रुपये रेट बेचे, अभी गिराक को 80 रुपये बता रहे, तो गिराक बोलता 60-70 रुपये दे बोलता अभी भी. लेकिन हमको 80 रुपये बेचेंगे तो जब मुनाफा मिलेगा उसके ऊपर में, और आज अगर 70 रुपये बेचते हैं तो हमारे को मुनाफा बहुत कम मिल रहा है उसके अंदर में.